मैं अनुपमा झा, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पीएम मोदी ने मणिपुर में आगामी महीने में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक रैली को किया संबोधित। पीएम ने कहा, जो काम कांग्रेस ने 15 वर्षों में नहीं किया वो बीजेपी 15 महीनों में करेगी। साथ ही बोले, हम नाकाबंदी बंद करेंगे और दिखाएंगे कैसे चलती है सरकार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक रैली को संबोधित करते हुए दिया बड़ा बयान। कहा, सपा को मुस्लिमों की वोट मिलने से बीजेपी को होगा फायदा। भारतीय इंजीनियर की हत्या का अमेरिकी सांसदों ने किया विरोध। बता दें, अमेरिकी सांसदों ने कंसास में भारतीय इंजीनियर की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि देश में ऐसी हिंसक घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को अंतिम विदाई देने अनंतनाग पहुंचे हजारों लोग। बता दें, सेना के लांस नायक गुलाम मोहद्दीन राठेर सहित दो और जवान उस वक्त शहीद हो गए जब आतंकियों ने शोपियां में घात लगाकर हमला किया था। यूपी सीएम अखिलेश यादव ने सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी पर बोला हमला। अखिलेश बोले, बीजेपी ने की है हमारे वादों की नकल, साथ ही पीएम मोदी को नोटबंदी पर दी बहस की चुनौती। मुंबई से काठमांडू जा रही इथियोपियन एयरलाइंस की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। बता दें, तकनीकी खराबी के चलते कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, वहीं सभी यात्री सुरक्षित हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में है कांग्रेस। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान तेज हो गया है। बता दें, मुंबई में कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें फडणवीस सरकार को गिराने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं बैठक में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रस्ताव भी पेश हुआ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान। कहा, आजादी के लिए लड़ रहे कश्मीर के आतंकी साथी फारूक बोले, कश्मीरियों की नई पीढ़ी बेखौफ है और वह बंदूकों से नहीं डरती। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सीएम बनाने को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई आपाधापी नहीं है। उनके पुत्र तेजस्वी खुद कहते हैं कि वह काम सीख रहे हैं, समय आएगा तो समय तय कर देगा। यूपी विधानसभा चुनाव में पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ खत्म। बता दें, इस चरण में 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान होना है। आखिरी दिन सभी राजनीतिक दल प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह केवल फर्जी खबरों के खिलाफ है लेकिन प्रेस की आजादी के खिलाफ नहीं। कीफी की बेहतरीन गेंदबाजी और स्टीवन स्मिथ के शानदार शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में भारत को 333 रनों से हराया। बता दें, भारत को ये मैच जीतने के लिए 441 रनों का विशाल लक्ष्य मिला लेकिन भारतीय टीम मात्र 107 रन पर ही ढेर हो गई। दिशा पटानी अपनी ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर छा गई हैं। बता दें, फिल्मफेयर अवार्ड में पहुंची दिशा ने जो ब्लैक ड्रेस पहनी थी वह उनके चाहने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वहीं इसके लिए उनके प्रशंसकों ने काफी भद्दे कमेंट किए। विवादित सीन का हवाला देकर फिल्म लिपस्टिक अंडर माई बुरका के खिलाफ फतवा। बता दें, भोपाल के संगठन मजलिस शूरा ने यह फतवा जारी किया है। आज के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।